आज का जो एडिटिंग है वो थोड़ा सा अर्बन टोन के ऊपर है, जिसके साथ मैंने थोड़ा नियॉन ग्लोइंग इफेक्ट भी ऐड किया है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम लुक इधर दे रहा है फोटो में। तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग बस एक बार देख लेना अच्छे से तो आप लोग समझ जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सर ऐप को ओपन करके जिस फोटो में भी एडिटिंग करना है ना उसके अंदर ऐड कर लेना है। तो अब चाहो तो मेरा वाली इस फोटो को भी यूज़ कर सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऐड करते ही दो नंबर पे एक ऑप्शन आएगा टूल्स, इस पर चले जाना है। इस पर जाके एडजस्ट प्लग ऑप्शन आएगा, उस पर चले जाना है। जाने के बाद इसका ब्राइटनेस को कम करके इधर कर लेना है 39 तक, और सेचुरेशन को एकदम 100 माइनस, और हाईलाइट को थोड़ा सा कम करना है 25, और टेम को माइनस करके इधर कर देना है 65, ठीक है माइनस। इधर से जो इरेज वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें जाके इसको बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो अप्लाई करने के बाद भी जो जो पार्ट इधर नहीं आएगा थोड़ा सा रह जाएगा मुझे लगता है, हाँ रहेगा। इधर देख सकते हो पैरों की तरफ थोड़ा सा ये कलर रह गया। इधर से आप लोगों मतलब आपका फोटो में जो जो पार्ट नहीं होगा उसका आपको मैनुअली थोड़ा सा इधर करना होता है। तो इसको कर लेने के बाद ऐसे राइटर पे क्लिक कर देना है, और फिर से राइटर पे क्लिक करके इधर से निकल जाना है, फिर ऐड फोटो के अंदर इधर से चले जाना है, और गैलरी से लाइट फ्लेयर का पीएनजी को इधर ऐड कर लेना है। ऐड करते ही ब्लेंड मोड पे सिंपली कर देना है स्क्रीन, और स्क्रीन करके कुछ इस तरह से बड़ा कर लीजिए, और पीछे की साइड इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। तो ऑपेसिटी को आप चाहो तो थोड़ा सा इधर से कम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इधर इसको 80 कर लेता हूँ। इरेज वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इरेज वाला ऑप्शन पे जाके इधर से फेस को इधर से निकाल लेना है, ठीक है। फेस के ऊपर इधर कलर आ गया है हमारा, इस तरह से निकाल लेना है फेस को। तो कुछ इतना उठा कर लेने के बाद इसे राइटर पर क्लिक करना है, फिर से राइटर पर अभी फिर से जाना है इधर से ऐड फोटो के अंदर। तो उसके बाद इधर हमारा जो लेंस फ्लेयर का पीएनजी है इसको ऐड करना है। ऐड करते ही ब्लेंड मोड पर जाके सिंपली कर देना है इसका स्क्रीन, और स्क्रीन करके कुछ इस साइड इस तरह से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इतना उठा कर लेने के बाद आपको करना क्या है, इधर से राइटर पर क्लिक करना है। तो फोटो का भी लेके चलना है लाइट रूम एप्लीकेशन के, और सीधा चले जाना है कलर वाला सेक्शन पे, ठीक है। इस पर जाके जो कलर का मिक्स टूल रहेगा उस पर चले जाना है। तो पहले रहेगा रेड, इसका सेचुरेशन का हमें करना क्या है, इधर से कर लेना है 41 तक, ठीक है। फिर ह्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करना है इधर से, तो डिक्रीज करके इधर कर लेता हूँ -19, ठीक है। फिर इधर जो नेक्स्ट कलर है इससे हमारा स्किन का कलर चेंज होता है। तो आपका स्किन अगर वाइट नहीं है तो इससे आप लोग सिचुएशन को माइनस करके लुमिनेंस को हाई करके स्किन को ब्राइट कर सकते हो। तो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो लेंस फ्लेयर का पीएनजी था ना वो इधर से येलो कलर है, तो उसका वो फीका पड़ जाएगा ये मैं करूँगा। तो आप लोग लेंस पिक्सर पे ऐड करने के इससे पहले एक बार लाइट रूम पर ऐड करके ना इसको अप्लाई कर लेना, तो स्किन वाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये जो रहेगा सीएम कलर, इसका सिचुएशन को फुल कर लेना है, ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर ले जाना है, और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और ब्लू कलर को भी सिचुएशन को फुल कर लेना है, ह्यू को माइनस के और ले जाना है इधर से 37, और लुमिनेंस को थोड़ा सा हाई। तो इसको अभी सेव करना है, तो ये वाला आइकन से गैलरी के अंदर सेव कर लेना है।